कोटद्वार कण्वाश्रम के विकास को लेकर भले ही उत्तराखंड की राज्य सरकारों का रवैया उदासीन रहा हो, लेकिन अब जल्द ही देश विदेश में नई पहचान मिलने की से उम्मीद है। कोटद्वार के चार युवकों की कोशिश ने कण्वाश्रम पर आधारित एक वेबसाइट बनाई है, जिस पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कण्वाश्रम के इतिहास को लेकर वर्तमान जानकारियां हासिल कर ली जा सकती है। कोटद्वार कण्वाश्रम उपेक्षित होकर आज भी उसी हालत में है जो हालत 70 से 80 के दशक में हुआ करती थी, जिस चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनकी जन्मस्थली कण्वाश्रम आजादी के 66 साल हो जाने के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है। हिमालय की तलहटी कोटद्वार भावर में मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम अतीत में भारतीय दर्शन, संस्कृति, आध्यात्म और सभ्यता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। देश का गौरव कण्वाश्रम, जहां महर्षि कण्व के संरक्षण में सहस्रों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। कर्णाश्रम के विकास के लिए बहुत वर्षों से कर्णाश्रम विकास की प्रयास कर रही है, विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से भी इस काम में काम किया, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन आज सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि आज कर्णाश्रम के बारे में जो वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसके द्वारा आज पूरे देश में नहीं अपितु विदेशों में भी लोग इसके बारे में जानेंगे और जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा उसको जानेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे और तब जाके कहीं मेरे को लगता है अब हमको ये उम्मीद जगी है कि इस कर्णाश्रम विकास जो अवरुद्ध था वो आगे बढ़ेगा। कोटद्वार के चार युवकों ने आगे आकर कण्वाश्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की और एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें कण्वाश्रम का इतिहास और उससे जुड़ी तमाम घटनाओं का आदि वर्तमान हालातों की जानकारी इस वेबसाइट के जरिए मिल सकेगी। होगा ये कि जैसे ये वेबसाइट लॉन्च होती है उसके बाद ये सबको अवेलेबल होगी, इस पे कण्वाश्रम क्या था क्या नहीं था, हमारी हिस्ट्री से देश की हिस्ट्री कैसे जुड़ी है, भारत नाम कैसे पड़ा है, उसके बारे में लोग जान सकेंगे। और ये जानना भी जरूरी है नई जनरेशन को कि हमारे देश के इतिहास में किस तरह से जुड़ा है कण्वाश्रम। तो ये एक वेबसाइट एक प्रयास है बच्चों का, हमारी कंपनी का, कि ताकि लोग जान सकें कि कण्वाश्रम का भूतकाल में क्या क्या रहा है। सभी लोगों को जानकारी के लिए इसको आप इस वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक कण्वाश्रम के बारे में जानकारी पहुंचेगी कि कण्वाश्रम क्या है, हमारे देश का नाम इस जगह से आया है। हमारा मेन मोटिव यही था वेबसाइट बनाने का कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे कण्वाश्रम। महर्षि कण्व का आश्रम और उसकी शिष्य परंपरा का ये महान ऐतिहासिक केंद्र कब और कैसे उजड़ गया, ये जरूर एक शोध का विषय है। महान विचारक, दार्शनिक, विद्वान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने अगर इसकी खोज ना कराई होती तो देश का ये महानतम सभ्यता का प्रतीक अतीत के गर्भ में ही गुमनाम रहा होता। अब तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन युवकों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य से राज्य सरकार को सीख मिले और कण्वाश्रम के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। के न्यूज के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट।